इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संस्कार क्या है? मेरे बच्चे ने पूछा प्रसाद के समय। किसी भी व्यक्ति और वस्तु गुणों का आधान ही संस्कार है। किसी भी व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुणों का आधान, आधान मने आगमन उपस्थिति संस्कार है। किसी भी वस्तु में, जैसे हम बैठे हैं, अब कोई इतर ला करके मेरे ऊपर डार दे तो वो इतर एक सुबास हो गया। व्यक्ति में एक वस्तु आकर लगी, वो क्या है? या तो सुगंधी, एक गुण हुआ, सुगंध होने लगा, और यही स्वयं चरित्र से उत्पन्न हो सुगंध, वह संस्कार। ऊपर से इतर ना डालना पड़े हो, ठीक क्या है? या तो इतर है, इतर डालकर सुगंध नहीं बहलानी है। चरित्र में ही ऐसा सुबास हो जो चारों ओर गमकने लगे। राम कहने से तर जाएगा प्यारे पार भव से उतर जाएगा, पार भव से सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, अरे राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। कल क्या पता फिर किधर जाए, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। घर घर कर जाएगा, हम कहने से तर जाएगा, अरे राम कहने से तर जाएगा। जगत नहीं, हरि के आगे ही झोली फैला, दत्ता झोली को भर जाए, दत्ता झोली जाए, कृष्ण कहने राम कहने, प्रभु गुरुकुल से पढ़।
पढ़कर संस्कार पूर्वक वापस घर आए। बाबा ने माँ से कहा, देवी यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहु मैं। विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ। माम ने विश्वामित्र जी बक्सर के पास सिद्धाश्रम में वास है जिनका। असुर लोग उनको यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं, सो विचार की भगवान का अवतार हो गया, चलें ले आवें, चलें उनको ले आवें। किसको? तो भगवान को। कैसे? मांग कर। अयोध्या जी आ गए। चक्रवर्ती महाराज ने स्वागत किया, भोजन पान कराकर बच्चों को श्री चरणों में मेल दिया, राज सिंहासन पर बैठाए, हाथ जोड़कर पूछे, प्रभु आपका आगमन किस कारण है, कहिए क्या सेवा करूं। विश्वामित्र बाबा ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयउ नृप तो अनुज समेत देहु। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह लग्या, धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहति बलिया। चक्रवर्ती जी महाराज से विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को मांगा, चक्रवर्ती जी का मुख कुम्हला गया, जुरा गए। आए देखिए, लेना शब्द बहुत अच्छा लगता है, लेना शब्द बहुत अच्छा रहता है। जिसने कभी जीवन में दिया न हो वो दूसरे को देते देख के बेहोश हो जाता है। विद्वान लोग एक कथा सुनाते हैं, एक आदमी बाजार गया, वहाँ भिखारी भिक्षा मांगने वाले, बाजार में भिक्षा लेने वाले लोग निश्चित रखते हैं कि इतनी दुकानें जाएंगे, एक रुपया लेंगे, आठ आने लेंगे, चार। आजकल तो भिखारी भी दस रुपया से कम नहीं लेते, दो रुपया देवे तो उसके ऊपर फेंक देते हैं, ले पकड़। और देने वाले भी बड़े अद्भुत, रुपये की चार चवन्नी बना के रखते हैं जो चलती नहीं। देने वाले भी उतने चतुर हैं, मांगने वाले उनसे चतुर हैं। एक व्यक्ति था जिसने कभी दिया नहीं, उसने किसी को देते देखा। साग वाला भाई, वो आया मांगने वाला, उसको दस रुपया दिया, क्योंकि उसका अभ्यास था करना। जो देखा साग लेने गया था वो उठती बाजार में कि सस्ता मिल जाएगा, कई लोग बाजार में खूब करते हैं, उठती बाजार का साग लाएंगे, घर वालों से कह देंगे लो बीनो बनाओ, काहे सस्ता मिलता है। जैसा भोजन करे ना वैसी बुद्धि भी हो जाती है। तो आदमी देखकर बेहोश हो गया, घर लाया गया, पत्नी समझ गई, जल छिड़के, हवा करी, उठ गए, कह गए थे सब्जी लेने, क्या हुआ? बोले मैं सब्जी मोल कर रहा था, इतने में भिखारी आया, उसने सब्जी वाले ने उसको दस रुपया दिया तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को घसा गया। बोली अरे उसने अपना दिया, आपका थोड़ी दिया। बोले दिया ना, अपना दिया कि मेरा दिया इससे मतलब नहीं, मेरे को देखा नहीं गया। सब देख भी नहीं सकते साहब, देते देख नहीं सकते, सबके बस का नहीं है। इसके लिए भी देखिए, विभवे भर्तरी महाराज कहते हैं, विभवे दान सक्तिश्च रति सक्ते मैथुने भोजने भोक्तृ शक्तिश्च नालपस्य तपस फलम। वैभव होने पर देने की शक्ति, संसार का सुख लेना हो तो इंद्रियों में शक्ति, और भोजन की बड़ी इच्छा हो तो पचाने की शक्ति भी थोड़े तप का फल नहीं है। नालपस्य तपस फलम, जिसको बहुत जन्मों का तप होता है उसको यह तीनों प्राप्त होते, इंद्रियों में शक्ति, मन में इच्छा शक्ति,
भोजन कर लिया तो पचाने की शक्ति नहीं, तो चूरन खाओ भोजन पचाओ, शक्ति नहीं है। चूरण खा करके पाचन तंत्र ठीक है तो ये ठीक नहीं है, ये तो दवा से ठीक है, इसका मतलब नजदीक है आए के फिर ही कराने के। दवा खा के पाचन ठीक ना हो, ये शरीर के संयम से ठीक हो, थोड़ा लेकिन थोड़ा देने की शक्ति ना। लपस्य तपस फलम, अरे चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं चौथे पन पायम सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारा। मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए महाराज, हे ब्राह्मण देव आपने विचार कर नहीं मांगा, क्या मांगना चाहिए? अरे अवध का कोष ले जाइए, लाख लाख गौ माताएं ले जाइए, हमारी सेना ले लीजिए, प्राण चाहिए तो प्राण ले लीजिए, लेकिन राम नहीं दू, राम नहीं। देखिए कोई आपसे मांगे तो सबसे पहले जो आपको प्रिय हो ये मना करिए, भाई इसको छोड़कर चाहे जो मांग लो। राम ने कहा आप चाहे जो मांग ले देंगे, किसी ने कहा महाराज पंखा दे, भाई पंखा नहीं, गर्मी इतनी है, तो पहले आपको मना करना चाहिए, भाई पंखा छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, माइक ले दे दीजिए महाराज। नहीं भाई माइक से तो हम बोलेंगे, फिर बोलेंगे कैसे? चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या कहा? कहू सो कर न लावूं बा, कहिए आप जो मांगिएगा एक पल नहीं लगेगा, आप मांगा चट और हमें दिया पट। वचनबद्ध होते समय सावधान रहना चाहिए, यहाँ एक साधक का कहना है, अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दीजिए, चाहे जो मांगो, कहीं जान मांग लिए तो, कहीं आपको अति प्रिय हो ही मांग लिया तो वचन दीजिए ही मत। अति क्रोध में कोई निर्णय न लिया जाए और अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दिया जाए, जैसे चक्रवर्ती जी ने माई को दे दिया, अरे दो का चार मांग लीजिए, फिर होने लगे तो माई ने कहा आपने वचन क्यों दिया, आपको क्या लगा मैं चबे ना मांगूंगी चना? वचन देने के पहले सोचना चाहिए, देने के बाद नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।